गोला थाना क्षेत्र की है। आपको ये बता दें कि करबला ले जाया जा रहा था ताजिया, अचानक हाई टेंशन लाइन से टकरा गया जिससे ताजिए में धमाके के साथ आग लग गई। ताजिए में करंट उतरने से कई लोग झुलसे भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई, गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारियों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। इसमें जो है बेसिकली मुहर्रम में जो जुलूस था वो निकल रहा था और ताजिया था, बट वो ट्रांसमिशन लाइन से बता रहे थे लोग कि उसमें जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकाल रहे थे, बट उसको कुछ बच्चों ने शायद उसका वायर ऊपर करने की कोशिश की जिसके कारण इसमें कुछ लोग जो है करंट से चोटिल हुए हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में लगभग 32 पर्संस यहाँ पर आए हैं, बट उसमें दो थोड़ा सा सीरियस हैं, बाकी जो है 30 लोग उसमें ऑलमोस्ट जो है आउट ऑफ डेंजर है। मेरे साथ CMS भी हैं, तो उनका कहना है कि बाकी लोगों को जो है मैनेज कर लिया गया है। लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य